सिक्स में कुछ नया डिफाइन करते हैं, और वो नया ये है कि हम लोगों को पावर के बारे में पता होना चाहिए कि पावर क्या चीज़ है। पावर के लिए तो सबसे पहले मुझे फोर्स का पता होना चाहिए। मैंने पूछा, भाई फोर्स तुम्हारा काम क्या है? इस फोर्स ने मुझे कहा, मेरा काम तो इतना सा है कि मुझे जिस जिस्म पर अप्लाइड किया जाता है मैं उस पर अप्लाइड हो जाता हूँ। शर्त ये है कि उस जिस्म का कोई ना कोई मास होना चाहिए और वो ई एक्सेलरेशन से हरकत भी करना चाहिए। मैंने इस बॉडी से पूछा, भाई अब तो तुम पर फोर्स लग गई है, अब तुम्हारा काम क्या है? इसने मुझे कहा, मेरा काम अब इतना सा है कि इस फोर्स के लगने से मुझ में ये एनर्जी, मुझ में ये काबिलियत पैदा हो गई है, ये सलाहियत आ गई है कि मैं काम कर सकूं। मैंने इस एनर्जी से पूछा, भाई ये एनर्जी अब तुम्हारा काम क्या है? इस एनर्जी ने मुझे कहा, मेरा काम इतना सा होता है कि मैं जिस्म में काम करने की सलाहियत पैदा करूँ और जो फोर्स मुझ पर लग रही है उसी की डायरेक्शन में जिस्म को जो है मूव कराऊं, यानी कि उसमें डिस्प्लेसमेंट शो कराऊं। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट होती है तो हम कहते हैं जी इस बॉडी पर वर्क हो गया है, जिसे हम फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क कहते हैं। इस वर्क से मैंने कहा, अब तुम्हारा कोई मजीद काम है? वर्क ने मुझे बताया, जी अगर आपको मेरा काम जानना है तो मुझे उस वक्त से डिवाइड कर दीजिए जिसमें मैं हुआ हूँ। मैंने उस काम को उसी वक्त से डिवाइड कर दिया तो इस काम ने मुझे बताया कि इस चीज़ को फिजिक्स में एक नया नाम देते हैं जिसे कहते हैं पावर। यानी कि जब हम लोग किए गए काम को उसी वक्त से डिवाइड कर दें तो इस चीज़ को फिजिक्स में पावर कहते हैं। अब पावर को हम लोग डेली लाइफ में कैसे लेते हैं? पावर किसी भी जिस्म की ताकत होती है, इसे हम लोग उर्दू में कह देते हैं कि इसमें इतनी पावर है, लेकिन फिजिक्स में इसको कैसे डिफाइन करें? मसला तो ये है, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। फर्स्ट कर लीजिए कि मेरा जो मास है वो 50 kg है और मुझे इन सीढ़ियों पर चलना है जो कि 10 meters की हाइट पर हैं ज़मीन से। मैं बज़ाहिर इतनी मोटी नहीं, लेकिन कहने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग फर्ज दिखा रहे हैं फिजिक्स में। मेरा जो वे मास है वो तकरीबन फर्ज कर लीजिए कि 50 kg है, ठीक है, और मुझे इन सीढ़ियों पर चढ़ना है जो कि ज़मीन से 10 meters की बुलंदी पर है, और मुझे इन सीढ़ियों को मसला ये है कि 10 seconds में ही चढ़ना है और मैं 10 seconds में चढ़ भी जाती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि मेरी पावर कितनी है। कोई मसला नहीं, अभी पावर भी निकाल लेते हैं। हमें मालूम है जी कि पावर जो है किसी भी बॉडी की वो बराबर है वर्क और डिवाइडेड बाय उस टाइम के जितने जिस टाइम में ये वर्क हुआ है। अब जो वर्क है वो बराबर होता है FD के, और ऐसे सिचुएशन में बॉडी का मास MG मतलब उसका जो वज़न है MG इनटू उसकी हाइट होता है, मतलब कि हाइट से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब M जो है मेरा 50 kg है और मैं चूँकि ज़मीन से बुलंदी की तरफ जा रहा हूँ तो ड्यू टू ग्रेविटी इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो 10 meters per second² है और जो मेरी हाइट है वो 10 meters है। तो मेरा जो वर्क निकला है इस सिचुएशन के लिए वो तकरीबन निकला है जी 5000 joules। जी हाँ, 5000 joules मेरा जो है वर्क निकला है। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरी पावर कितनी है। तो मैं इस किए गए काम को अगर उसी वक्त से डिवाइड कर दूँ जितनी देर में मैंने ये काम किया है, यानी कि टाइम तो लिखना ही भूल गई। जी हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग लिख लें कि मैंने इसे 10 seconds में किया है तो अब मुझे 10 seconds से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 10 seconds से जब मैंने इसे डिवाइड किया तो मुझे 500 joules per second आंसर मिल गया। इस चीज़ को जॉल पर सेकंड को फिजिक्स में सिस्टम इंटरनेशनल में वॉट यूनिट का नाम देते हैं, जो कि पावर का यूनिट है। यानी कि मैंने 500 वॉट की पावर से ये काम किया है, मुझ में इतनी पावर है। आप इस तरह से किसी भी चीज़ की पावर निकाल सकते हैं, आप चलती हुई गाड़ी की पावर निकाल सकते हैं, आप किसी मोटर की पावर निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ की पावर निकाल सकते हैं। फर्ज कीजिए कि आपके पास एक मोटर है A, जो कि ज़मीन से तकरीबन 200, हाँ यूँ कह दीजिए कि 200 kg वाटर है वो ज़मीन से निकालती है। ये उसका मास है पानी का, 200 kg जो वाटर है उसने कुएं से निकाला है, और उस कुएं की जो गहराई है, जो उसकी डेप्थ है, वो फ़र्ज़ कर लीजिए कि 10 meters है, और उसने ये जो काम है पानी निकालने का ज़मीन से उस मोटर ने, वो तकरीबन किया है जी 4 seconds में। 4 seconds में उसने 10 meters की गहराई से 200 kg पानी निकाला है। तो मुझे इस मोटर की जो पावर चाहिए कि इस मोटर की पावर कितनी है,
मुझे मालूम है कि किसी भी चीज़ की पावर निकालनी हो तो उसके किए गए काम को उसके वक्त से डिवाइड कर दिया जाए तो उसकी पावर निकल आती है। अब इस चीज़ का वर्क फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये तो पता है कि मुझे मैथ दिया क्या है, और चूंकि ज़मीन से गहराई में है कुआँ, थोड़ा सा नीचे जाके है, इस तरह से सिचुएशन कि ये कुआँ है ज़मीन से नीचे है और यहाँ पर कोई मोटर लगी है, और कुआँ कुछ भी इसी शेप का होता है। फर्ज कीजिए यहाँ पर कोई मोटर लगी थी और उसकी तरह से ही पानी निकाला जा रहा है। फर्ज कर लीजिए, मतलब कि विजुलाइज कीजिए कि इस तरह से हो रहा है। तो MGH के इक्वल तो आपका जी वर्क आ गया, और जितने वक्त में आपने किया है वो TT आ गया। अब जो आपका मास था पानी का जो मोटर ने निकाला वो 200 kg था, और ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू जो है 10 m/s² है, और हाइट जो कुएं की थी वो 10 m थी, और ये सारा का सारा काम जो है तकरीबन 4 सेकंड में हुआ है। तो अब इसकी पावर ऐसी निकली कि 200 इससे जरब खाया, तो ये हो गया जी हमारे पास तकरीबन 20,000 जूल और डिवाइडेड बाय 4 सेकंड, वैसे ही आ गया। अब जब मैंने 4 सेकंड को इस पे डिवाइड किया तो ये मेरे पास कुछ 5,000 जूल/s के नज़दीक जो है पावर निकली, जिसे मैं कह सकती हूँ जी जो मेरी पावर है वो 5,000 वॉट है जी, इसी तरह होगा, 5,000 वॉट है ये मेरी पावर निकल आई है। इस तरह से मैं किसी भी चीज़ की पावर बता सकती हूँ। मैं ये भी बता सकती हूँ कि कोई गाड़ी कितनी पावर से जा रही है। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मेरे पास एक कार है जिस पर कोई फोर्स लगाई गई है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि इस पर जो है 5 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है, इस पर फोर्स अप्लाइड हुई है 5 न्यूटन की, और 5 न्यूटन की फोर्स ने इस कार्य को 10 m डिस्प्लेस कराया है। इसे थोड़ा सा ठीक करके बना लें। जी हाँ, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट पॉइंट, ए से बी तक 10 m का डिस्प्लेसमेंट है जो कि 5 न्यूटन फोर्स के लगने से इस गाड़ी ने ट्रेवल किया है, और ये काम इसने किया है जी 5 सेकंड में। तो मुझे इसकी जो है पावर बतानी है कि इस गाड़ी की पावर कितनी थी जिससे इसने ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो पावर के लिए मैं इसके किए गए काम को इसके वक्त से डिवाइड कर देती हूँ। इसका जो किया गया काम है वो FD के इक्वल है, और FD डिवाइड बाय टाइम है। अब F जो है मेरे पास फोर्स है वो 5 न्यूटन है, और जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया वो 10 m है, कितनी देर में किया है वो 5 सेकेंड है, ये सेकंड है 55 लग रहा है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, 5 सेकंड, ठीक है जी। तो इस तरह से मेरे पास जो आंसर आएगा वो 50 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकंड आएगा। इस चीज़ को जब मैंने इससे डिवाइड किया तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है जी 10 जूल/s, जिसे मैं लिख सकती हूँ कि मेरी जो पावर है वो 10 वाट आई है, ठीक है जी, ये मेरी 10 वाट पावर आ गई। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी गाड़ी पर लगाई गई फोर्स का तो पता है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, लेकिन मुझे ये मालूम हो कि उसकी कुछ वेलोसिटी दे दी गई हो। जैसे कि इस ये सिचुएशन ले लेते हैं हम लोग कि एक गाड़ी थी, उस पर ये सिचुएशन रख लेते हैं कि उस पर जी 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाइड हो रही है, और वो जो गाड़ी है वो कुछ वेलोसिटी फर्स कर लेते हैं जी 4 m/s² की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, उसने कुछ फासला ट्रैवल किया है, और कितनी देर में किया है फर्स कर लेते हैं, उसने ये काम 2 सेकंड में किया है, ठीक है। तो इससे जैसा अगर मुझे पावर निकालनी हो तो मैं आसानी से निकाल सकती हूँ, और मुझे डिस्प्लेसमेंट ना भी दिया गया हो तो मैं जानती हूँ कि जो पावर होती है वो वर्क डिवाइडेड बाई टाइम होती है, और वर्क जो है वो एफ और डी के प्रोडक्ट के बराबर है। अब एफ टी को मैं अगर टी से डिवाइड कर दूं तो इस सिचुएशन में देखिए मेरे पास डी तो है नहीं, लेकिन अगर मैं सिंपली डी के नीचे टाइम टी को रख देती हूँ तो इस चीज़ को अगर मैं डी के नीचे टी डिवाइड कर दूं जी, ये मैंने डिवाइड कर दिया, तो हमें मालूम है कि इस चीज़ को हम लोग डी डिवाइड डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो उसे हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो मैं F.V लिख सकती हूँ, और ये पावर के इक्वल है। ये एक नई टर्म है जिससे आप वाकिफ होंगे, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो पावर है वो भी स्केलर प्रोडक्ट में है, क्योंकि जो इसका जो पावर है वो बराबर होती है, इक्वल टू होती है
वेक्टर क्वांटिटी के, वेलोसिटी भी वेक्टर है और फोर्स भी वेक्टर होती है, इस वजह से हम लोग पावर को स्केलर क्वांटिटी में भी ले लेते हैं। अब अगर मुझे इस कंडीशन के लिए पावर बतानी हो तो मैं यूँ कहूँगी कि पावर ऐसे ही, फोर्स मुझे उन्होंने 5 न्यूटन दी थी और जो वेलोसिटी है मेरी वो 4 मीटर पर सेकेंड दी है। तो इस तरह से मेरी जो पावर है वो इस तरह से निकलती है कि 20 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, जो कि मेरी 20 वाट निकलती है, यानी कि मेरी पावर 20 वाट है। इस तरह से हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों की पावर निकाल सकते हैं, किसी मोटर की, किसी मशीन की, अपने चलने की, गाड़ी के चलने की, हद तक कि किसी भी चीज़ की हम लोग पावर आसानी से बता सकते हैं।